इंटरनेट पे हर कोई स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, और ऐसे में भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल लगभग हर एक इंसान ने करना शुरू कर दिया है जो डिजिटल पेमेंट करना चाहता है या डिजिटल पेमेंट करते हैं ऑलरेडी। तो अगर आप भीम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वास्तविक है, आप अगर भीम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कभी जब प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर, जो इसे कहा जाता है, सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर का नंबर जहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा जगह आप खोजते होंगे, राइट? ऐसा पक्का खोजते होंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जितने लोग सॉल्यूशन खोजते हैं उनको कितने परसेंट लोग हैं जो उसी एप्लीकेशन के जो ऑप्शन रहता है अबाउट सेक्शन या हेल्प के सेक्शन, उसको इस्तेमाल करते हैं? शायद बहुत कम परसेंटेज। वो क्या करते हैं, या तो गूगलिंग करते हैं, मतलब गूगल पे जो है कस्टमर केयर का नंबर सर्च करके ढूंढते हैं, या क्या करते हैं, जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। तो जो लोग ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि ये जो है आपके पैसा खाता या बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसे में जब इम्पॉर्टेंट है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, समझिए आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सच में आपको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है तो अपने रिलेटिव या फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजिन फार्मर। एक्चुअली होता क्या है कि ये कस्टमर केयर वाला जो नंबर का लफड़ा है ना, इसी का जो है फ़ायदा उठाते हैं जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। वो क्या केस आया है पहले समझिए। ये केस ट्विटर से रिलेटेड है। ट्विटर पे फर्जी बहुत सारे अकाउंट बनाया जा रहा है और उस अकाउंट के जरिए जो है कोई पार्टिकुलर नंबर, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनका नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर के रूप में जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जो लोग ट्वीट करते हैं उनके ट्वीट में अगर भीम या यूपीआई जैसे अगर टर्म इस्तेमाल होता है तो उनके ऑटोमेटिकली जो बोट होता है वो रिप्लाई देता है। रिप्लाई क्या देता है कि आपको अगर सर्विस चाहिए या प्रॉब्लम है या पैसा का ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया है, कंप्लेन आ गया है, तो आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये बताइए कि जो लोग को प्रॉब्लम होगा, तो सपोज डेट किसी के अकाउंट में 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया में अगर वो 5,000 रुपया किसी को ट्रांसफ़र करता है तो वास्तविक है कि उसके अकाउंट में 5,000 रुपया तो होगा ही होगा। और जब वो 5,000 रुपया जो है चला गया, जो प्रॉब्लम आ गया उसके चक्कर में कंप्लेन करने के लिए किसी फ्रॉड के नंबर पर कॉल करेंगे लोग, तो क्या होगा, जो बचा हुआ पैसा है ना वो भी झूठ बोल करके, वो ठग के किसी तरह जो है धोखे में ले करके वो भी पैसा लेकर के चले जाएंगे। और इस तरह से धोखेधारी जो है लोगों के साथ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये सब जितने भी चीज़ हैं ऐसा नहीं है सिस्टम का प्रॉब्लम है या सर्विसेज सर्वर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है यूजर का है। यूजर का प्रॉब्लम क्या है, यूजर के पास जो है नॉलेज की कमी है। वो लोग डिजिटल आना चाह रहे हैं, आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके पास जो है सही नॉलेज पहुंचे तो कि चोर चोरी कैसे कर रहा है और कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मैं बराबर ये सब चीज़ जो है मैं आपको इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने बताया था कि कैसे पेटीएम से जो है पैसा चोरी हो गया था। अगर नहीं देखें तो उसको भी देखिए, हो सकता है आप पेटीएम इस्तेमाल करते होंगे, कल के डेट में आपके साथ ही ऐसा फ्रॉड हो सकता है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जब ट्विटर पे इस टाइप का जो है भीम से रिलेटेड जो है कंप्लेन या हेल्पलाइन नंबर जो फर्जी है उसको ट्वीट किया जाता है, तो अब इनिशिएटिव क्या है भीम या NPCI जिसको कह सकते हैं, वो अब यहाँ पे ऑटो रिप्लाई ये भी दिया है कि अगर इस टाइप का नंबर आता है तो वहाँ पे भीम एकदम मेंशन करता है उस ट्वीट के भी नीचे, ट्वीट रिप्लाई देता है कि ये ऐसा कोई कंप्लेन नंबर या हेल्पलाइन नंबर नहीं है। ऐसे में यूजर को खुद को बचाना चाहिए, अवेयरनेस जो है फैलानी चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बना करके 100 लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं तो कम से कम मेरे कारण 100 लोग तो अपने आप को सेफ कर सकेंगे, और हो सकता है उनके रिलेटिव या उनके फैमिली फ्रेंड जितने भी होंगे वो सब भी अपने आप को सेफ कर सकेंगे। तो है ना इंपॉर्टेंट वीडियो और कमाल का वीडियो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, आपको वीडियो देखना पसंद है, नॉलेज गेन करना पसंद है, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।